हूँ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही है ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जीवन में हमें बहुत से संघर्ष झेलने पड़ते हैं। जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सब्र का बांध छूट जाता है। ऐसा लगता है कि सारे संघर्ष क्या हमारे ही जीवन में लिखे हैं, सारे परेशानियाँ क्या हमारे ही जीवन में लिखे हैं। सुख के दिन ऐसा कब होगा जब हमारे जीवन में आएंगे? कब हम भी अपने जीवन को सुखद बनाएंगे? कब हमारे पास पैसा होगा, वाहन मकान होगा या सारे भौतिक सुख सुविधा हमारे पास में होगी? वो समय कब आएगा? ऐसा बहुत से लोग महसूस करते हैं और ये स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की ये चाह होती है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद वह संपूर्ण रूप से इसे भोगे और जीवन के सारे सुखों को प्राप्त करता हुआ इस दुनिया से जाए। लेकिन कई बार जिंदगी के आधे 50% जिंदगी निकल जाने के बाद भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सफलता नहीं मिलती है जिंदगी में, उनको ना धन मिलता है, परेशानियां उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और वास्तविकता क्या है, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने भाग्य को कभी नहीं कोसना चाहिए, कभी अपने आप की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है, स्पेशली राजस्थान में कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब ये है कि दूसरे के पास ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा संपन्न है और हमें कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि इक्वल होते हैं कई बार, फिर भी लगता है कि वो फला व्यक्ति ज़्यादा संपन्न है, उसको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, वो ज़्यादा सुखी है, उसके जीवन में कष्ट कम है। पर मैं आपको बता दूं एक बात कि लाइफ में कोई भी ऐसी जन्म कुंडली नहीं है जिसमें दुख ना हो। स्वरूप उसका अलग हो सकता है, दुख का स्वरूप अलग हो सकता है। कोई आदमी गरीब आदमी है, बहुत दुखी है, उसे खाना नहीं मिल रहा, और जिसके पास बहुत पैसा है वो शुगर है, बीपी है, उसके चलते कुछ खा नहीं पा रहा है। दोनों के दुख अलग अलग हैं। बहुत से भारतीय विचारकों ने और बहुत से पाश्चात्य विचारकों ने सुख और दुख की व्याख्या की है, और इसका उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। एक पश्चिमी विचारक हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि सुख और दुख का कोई रेशियो नहीं होता है। एक आदमी को किसी चीज़ में सुख मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को जरूरी नहीं है उसी चीज़ में सुख मिले। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टीवी देखना पसंद है लेकिन दूसरे व्यक्ति को टीवी देखना ही सबसे बोरियत भरा काम लगता है। एक व्यक्ति को ड्राइविंग पसंद है, दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग करना बोरियत भरा लगता है। तो सुख और दुख को ना मापने का कोई पैमाना नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक व्यक्ति किसी के उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक साधना के द्वारा उसी में खुश है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। तो असल में क्या है कि सुख और दुख का संबंध हमारी मानसिकता से है, हमारे मन से है, मन की संतुष्टि से है। हमारे मन में संतोषी प्रवृत्ति होनी बहुत आवश्यक होती है कि हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं। अब संतोषी होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में ठहराव आ गया है। प्रतियोगिता भी जीवन में बहुत आवश्यक है, कंपेरिजन बहुत आवश्यक है, लेकिन इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। इसको किसी ईर्ष्या के रूप में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा आपसे आगे बढ़ रहा है किसी भी रूप में तो उसको देखकर ईर्ष्या की जाए। उसको पॉजिटिव रूप में लीजिए और उसके तरह आप भी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये तो इसका पॉजिटिव रूप हो गया, और इसको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। और कभी भी अपने आप से ये शिकायत मत कीजिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है, छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो सजीव है निर्जीव है, वो हर चीज़ किसी न किसी काम की होती है। कोई भी चीज़ बिना उद्देश्य के प्रभु ने नहीं बनाई है, तो किसी हर चीज़ का मोल होता है, हर चीज़ वक्त में काम आती है। इसके बारे में बड़े 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 जो विद्वान हुए हैं, विद्वत कवि हुए हैं, जैसे रहीम दास जी हैं, बिहारी है, इन्होंने तो जीवन के छोटे छोटे बातों के बारे में इतनी मूल्यवान बातें कही हैं जिनका हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध है, और छोटी छोटी बातें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी तरह से विद्वानों ने ये भी कहा है कि यदि आप असमय, क्योंकि हर हर व्यक्ति का एक टाइम होता है, ऐसा हमेशा होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में, ऐसे बोलते हैं ना कि एक गोल्डन पीरियड आता है, उस समय को कोई कितना कैश कर पाता है ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है, उसके कर्म पर डिपेंड करता है। कि हर व्यक्ति के जीवन में भगवान एक मौका जरूर देता है आगे बढ़ने का। जो इस मौके को समझ कर उसको समझ लेता है और आगे बढ़ता है वो जीवन में सफल होता है। जो इस मौके को बहुत लाइटली लेता है, अवॉइड करता है और टालता रहता है, वो जीवन में गोल्डन पीरियड को कैश नहीं कर पाता और पिछड़ जाता है। बस इतना सा ही खेल है जिंदगी का, जिसने इस जिंदगी को समझ लिया, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, चिरस्थायी कुछ भी नहीं है। क्षणवादी दृष्टिकोण पर मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि हर क्षण जीवन नष्ट हो रहा है, हर क्षण जीवन आगे बढ़ रहा है, हर पल जिंदगी खिसकती जा रही है।
तो बजाय इस बात में चिंतन करने के, अपना टाइम वेस्ट करने के नेगेटिव चीज़ों में कि फला व्यक्ति यहाँ आगे बढ़ गया, और व्यर्थ की गॉसिप करके अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने आप को किसी काबिलियत में डालिए, अपने आप को किसी काबिलियत के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और कोई भी चीज़ जिसमें आपकी रुचि है उसके द्वारा अपने आप को निखारिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, और ईर्ष्या के भाव, नकारात्मक चिंतन, इनको जिंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए। ये जीवन की हर तरह की प्रगति में बाधक है। जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। रिश्तों में से नकारात्मकता खत्म कीजिए। हर चीज़ का उजला पक्ष देखिए। हर चीज़ में भगवान ने कुछ अच्छी चीज़ बात लिखी है, अच्छी चीज़ लिखी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको जीवन के हर पल खुशमय नजर आएंगे। आपको किसी भी चीज़ में कोई शिकायत नहीं होगी, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में से भी अच्छी अच्छी चीज़ें बीन लेते हैं, उनको छांट लेते हैं, और उसके आधार पर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। तो इसी तरह से व्यक्ति को होना चाहिए। नकारात्मक चिंतन जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ईर्ष्या की मनोवृत्ति सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा इस भवबंधन को बहुत ज़्यादा जकड़े रहना भी बहुत बड़ी बाधा है। आपके पास ज्ञान का खजाना है तो ज्ञान बांटिए, आपके पास धन है तो जरूरतमंदों की मदद कीजिए। पुरानी चीज़ों को कई बार रिसाइकल करके बताया जाता है। मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, ना किसी की मैं निंदा कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि यदि आपके पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है आप, और आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, तो उसको रिसाइकल करने के बजाय एक अपरिग्रह की भावना को अपनाइए। मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत कीजिए, वो जरूरतमंद को दान में दीजिए, गिफ्ट में दीजिए, या किसी न किसी रूप में एक इंसान को, दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। जितना आप इस तरह के कार्य करेंगे, देखिएगा आपके खुशियों का दायरा कितना बढ़ जाएगा, आपको कितनी आत्मसंतुष्टि होगी, अपने मानव जीवन को सार्थक होना सिद्ध आप समझेंगे कि आपका जो जीवन है वो सफल हो गया, और छोटी छोटी चीज़ों से निकलकर बड़ी बड़ी खुशियां पैदा होती हैं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। और सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं, कभी कुछ भी चीज़ बहुत समय तक टिकती नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ से विचलित मत होइए। सुख आने पर एक अपने आप को संतुलित करके रखिए, अहंकार में मत आइए, और दुख आने पर उसका शोक मत मनाइए, परेशानी मत उसको लेकर बैठिए कि एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, क्योंकि वो क्षण भर का है समय, वो जैसे भी होगा निकल जाएगा। जिस तरह से धूप और छांव स्थिर नहीं रहते, एक के बाद दूसरा आता जाता जाता रहता है, वही चीज़ जीवन में भी है। संकट के बादल छटते हैं और खुशियों का जो बोलते हैं वातावरण उत्पन्न होता है। तो अपना प्रयास जारी रखिए, और हमेशा सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, दूसरे की खुशी को देखकर खुश होइए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है जीवन का। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। यदि आपको इससे कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो वीडियो सार्थक साबित होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।